हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। नव वर्ष की आपकी सबको शुभकामनाएं है और सब स्वस्थ रहे और हमारे साथ कनेक्ट रहे। कनेक्ट इसलिए रहे कि आपका हम स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग वीडियो में बताएंगे और आपके स्वास्थ्य की जो हम जानकारी देंगे तो आपका जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने में के लिए आपको एक सुलभता मिलेगी और आपको नॉलेज भी मिल सकता है। ये जो हमें वीडियो बनाते हैं आपके इंटरेस्ट के लिए ही बनाते हैं। इसमें आपको जो रोग के बारे में बताता है इसमें क्या जनरल नॉलेज होता है, कौन सा सिम्टम्स होता है, साथ में हम एक कॉमन मेडिसिन भी बताते हैं जिसे आप खुद भी ले सकते हैं या कोई अच्छे होम्योपैथ के पास भी जाके आपका जो डिजीज़ है इसके बारे में ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं या हमारे सेंटर में भी आके आप हमारा साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मित्रों, आज की जो वीडियो श्रृंखला में हम आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और ये जो मेरी चैनल है, आज का जो विषय है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, उसको हम मेडिकल भाषा में कई बार तो यूटीआई इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। तो ये यूटीआई इन्फेक्शंस क्या है और इसे कैसे होता है और यूटीआई इन्फेक्शन के कितने प्रकार है और इसका क्या साइन सिम्टम्स है, क्या कॉज है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, क्या होम मेडिसिन है और कौन से होम्योपैथिक की पांच जो मेडिसिन है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो मेरा वीडियो है शुरुआत से लेकर एंड तक आप देखोगे तो आपको ये जो वीडियो की जानकारी है आपके रोग के बारे में संपूर्ण आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। मित्रों, यूरिनरी ट्रैक मींस यूरिन, जो हमारा पेशाब का जो मूत्र मार्ग है उसको यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक में अलग अलग प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं, इसमें किडनी आती है जो पिक्चर में देखता है, जो यूरिनरी ट्रैक जो होता है इसमें जो अपर का पार्ट होता है ये उसको किडनी बोलते हैं। किडनी के साथ कनेक्टिंग पाइप होता है उसके यूरेथ्रा बोलते हैं और ये जो पाइप होती है ये ब्लेडर के में खुलती है जिसको मूत्र नली मूत्राशय बोलते हैं, जिसको मूत्र कोथली बोलते हैं। इसमें हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जब हम जो चयापचय का क्रिया के बाद जब किडनी का फंक्शन पूरा हो जाता है और इसे यूरिन निकलता है तो हमारे ब्लेडर में कलेक्ट होता है। बाद में हमारा जो पेशाब होता है ये मूत्र मार्ग से होके बाहर निकलता है। सेम जो ऑर्गन होता है लेडीज़ में भी होता है, लेडीज़ में भी दो किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है और ब्लेडर होता है और ऐसे तरह उसको पेशाब बाहर निकल जाता है। पर कई बार इसमें इन्फेक्शन्स हो जाता है तो इन्फेक्शन होने का कारण मैं अलग अलग बताता हूँ। तो ये किडनी में भी इन्फेक्शन्स होता है, यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन होता है और ब्लेडर में भी इन्फेक्शन्स होता है। तो ये जो इन्फेक्शन्स है किडनी में होता है तो ये इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, यूरेथ्रा में होता हो तो उसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं और ब्लेडर में होता हो तो उसको सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। ये जो यूरिनरी जो ट्रैक इन्फेक्शन्स है उसको अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। इसमें किडनी इज अ मेन फंक्शन आता है, लोअर यूरेथ्राइटिस में इसमें यूरेथ्रा आता है, ब्लेडर भी आता है, सिस्टाइटिस भी बोलते हैं और कॉमन यूरिनरी ट्रैक भी इन्फेक्शन्स होता है। मेनली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन्स कैसे होता है, पहले तो यूरिन ट्रैक क्या काम करता है। तो जो हमारा जो दिवस दरमियान हम जो खुराक खाते हैं, पानी पीते हैं, इसमें कई बार वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसमें यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, फॉस्फेट होता है, सोडियम होता है, आयरन होता है, मैंगनीज होता है, ये हमारा खून में भरा हुआ होता है। तो हमारी किडनी क्या करती है दिवस दरमियान कंटिन्यूस हमारा जो खून होता है उसको ये फिल्टर करती है। तो फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं, तो वे वेस्ट प्रोडक्ट हमारा किडनी होता है ये धीरे 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 हमारा खून कंटिन्यू साफ करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किडनी थकी हमारा जो किडनी की जो नली है उसके कनेक्टेड होती है एक नली और उसका जो सिर दूसरा होता है ये ब्लेडर में ले मूत्राशय या मूत्र कोथली के साथ अटैच होता है और मूत्राशय की अमुक कैपेसिटी होता है, इसके जो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद मूत्र उत्सर्जन होता है तो ऐसे तरह हमारा मूत्राशय की क्रिया होती है। और ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह का इन्फेक्शन अलग अलग होता है। ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होता है मेल से फीमेल को ज़्यादा होता है क्योंकि उसको यूरेथ्रा का जो पार्ट होता है ये छोटा होता है, जैसे उसका ब्लेडर का पार्ट
पूरा हो जाता है, तुरंत उसका वजाइनल पार्ट होता है, तो उसको यूरिनरी इन्फेक्शन लेडीज़ को ज़्यादा होने का संभावना रहता है, क्योंकि जो ये ब्लेडर होता है, जो मूत्र कोथली होती है, जो मूत्राशय होता है, ये उसका कनेक्टिंग आउटलेट के जब नीचे होता है, नज़दीक होता है। क्योंकि जो पुरुष का क्या होता है कि जो उसको ब्लेडर के पास उसका पेनियल पार्ट होता है, जैसे पेनिस का पार्ट होता है, ये 2 इंच होता है, 3 इंच होता है, बाद में उसको आउटसोर्स ज़्यादा होता है, तो ये मेल में यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की संभावना कम रहती है कंपेयर टू फीमेल। तो इसका क्या कॉज होता है? तो जनरली उसका अलग अलग कॉज है। तो ज़्यादातर इकोलाई बैक्टीरिया, 70% तो जो हमारा शरीर में इकोलाई बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फंगस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से हमको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है, इज नंबर 1 कॉज। सेकंड कॉज स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जो हमारा गले में रहता है या ब्लड में जो बैक्टीरिया होता है स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया, उसका ग्रोथ भी यूरिनरी ट्रैक में भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके वजह से भी हमको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। थर्ड थिंग, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ को पाइलोनेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस या यूरेथ्राइटिस होने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो जिन लोगों को कंट्रोलेबल डायबिटीज़ नहीं है, उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार तो मैनी एंटीबायोटिक लेने से भी कंट्रोल नहीं होता है, और कई बार दर्दी मुश्किल में मुक जाता है, कई बार उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, कई बार तो उसको एक्यूट रीनल फेलियर में भी पेशेंट चला जाता है, उसका क्रिएटिनिन लेवल टेम्पररी हाई हो जाता है, और दर्दी को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, उसको रिस्टोर करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑनली मेडिसिन, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वहीं जाके उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और ये बार बार होने से कई बार किडनी पर भी सूजन आ सकती है, और इसका और कॉम्प्लिकेशन भी बन सकता है। कई बार जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या स्टोन बनता है बार बार, उनको भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो ये जो मोटा मोटी आपको मैंने बताया है, इसका ये सिम्टम्स है, उसका जो एक कॉज है, अभी हम सिम्टम के बारे में बताएंगे। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो जब लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो पेशाब में जलन होता है, बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है, शरीर में दुखाव होता है, जॉइंट पेन होता है, दर्दी को ठंड लगता है, लो ग्रेड फीवर लगता है, यूरिन में कंफर्ट जोन नहीं रखता है, बार बार उनको अर्ज आता ही रहता है, वर्टिगो रहता है, चक्कर रहता है, नौशिया वॉमिटिंग भी रहता है, कई बार पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहता है, पेट साफ नहीं आता है, अशक्ति लगता है, कई बार तो फियर कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, बेचैनी आता है, कई बार डिलीरियम भी आ जाता है। डिलीरियम मीन्स उसको मेंटल फटिगनेस होता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी भी हो जाता है। ये लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का यही सिम्टम्स है। क्रॉनिक, जिसको ये जो इन्फेक्शन किडनी में पहुंच जाता है और क्रॉनिक रीनल फेल क्रॉनिक हो जाता है, तो इसमें उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जो किडनी का इन्फेक्शन है। तो किडनी का इन्फेक्शन होता है, कई बार यूरिन में ब्लड भी आता है, कई बार स्वेलिंग भी आता है, बैड स्मेल आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, लोअर पेट में एब्डोमिन में पेन होता है, दर्दी को कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, स्वेलिंग आ जाता है, भूख नहीं लगता है, सारा दिन सोने की इच्छा रहती है, बहुत दर्दी को नबड़ाई रहती है, वर्टिगो आ जाता है, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, खून में जो आयन की मात्रा है वो घट जाती है, कई बार जो डायबिटीज पेशेंट होता है तो उनको जो ब्लड शुगर होता है ये बहुत ऊँचा पहुँच जाता है, तो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये जब भी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो तो ये शुरुआत का तेज है, पर बार बार जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस लॉन्ग टर्म रहता है तो लॉन्ग टर्म किडनी की खराबी होने का संभावना रहता है। ये किडनी हमारा इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, आगे हम देखेंगे किडनी का जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी फेलियर में जाता है, कई बार तो आल्बुमिन जाता है तो उसको आल्बुमिनूरिया भी बोलते हैं, कई बार हिमेचूरिया भी होता है, पेशाब में यूरिन भी जाता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। और देखो मित्रों, जो किडनी होता है इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, किडनी में कोई ऑल्टरेशंस नहीं है। सपोज़ आप हार्ट का दर्दी होता है तो आप एंजाइना डालोगे, तो आपको जो स्टेंट डालोगे तो आपको 5-10 साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बाद में बाईपास भी हो सकता है तो 10-12 साल भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं,
बट किडनी फेल हो जाता है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मित्रों। तो किडनी हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, किडनी का केयर बहुत अच्छी तरह कीजिए। खुराक में भी अल्कलाइन युक्त खुराक या बाहर का खुराक या आपका जो भी फैटी फूड है उसको कॉन्शियसली खाइए। जिन लोगों को 50 साल की उम्र ज़्यादा है, जिन लोगों को लेडीज़ है, ये जो वजाइनल पार्ट है उसको प्रॉपर हाइजीन रखे, पुष्कर परमा में पानी पिए, एक्सरसाइज करे, वेट कंट्रोल करे। जो उनको कोई भी दवा चलती है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो ये उनके डॉक्टर के साथ परामर्श कीजिए। उनको एवरी 15 डेज या एवरी 3 मंथ्स उसको यूरिन की जांच कराना चाहिए। कई बार जांच करने से ही जो पस सेल ज़्यादा आता है तो तुरंत ही डॉक्टर की संपर्क करके उनके डॉक्टर के साथ परामर्श भी कर सकते हैं। जो कई बार 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 आता है तो आपको दर्दी अल्ट्रासोनोग्राफी करने को भी बोलता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह मुजब आपकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो भी मित्रों, आपको जो प्रॉब्लम रहता है और बार बार आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन रहता है, एलोपैथिक लेके आप थक गए हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बनता है, तब होम्योपैथिक इज़ अ मास्टर ड्रग्स। होम्योपैथिक में क्रॉनिक जो पाइलाइटिस होता है या लोअर इन्फेक्शंस जो UTI होता है इज़ अ मास्टर ड्रग्स है। कई बार तो मैंने 35 साल में उम्र में देखा है कि जो क्रॉनिक ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से उनको इनफर्टिलिटी रहती है। कई बार लेडीज़ को जो फेमोरियल ट्यूब ब्लॉक्स हो जाती है, कई बार PCOD का कारण भी ये सेकेंडरी कॉज पर उनको हम हिस्ट्री लेते हैं कि पहले मेरे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता था और बार बार मेरा बर्निंग सेंसेशन होता था, एलोपैथिक दवा से लेके मेरा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया पर बाद में मेरा PCOD आने लगा और मेरे को इनफर्टिलिटी हो गई, ऐसा कोई हिस्ट्री देता है तो होम्योपैथिक का इसका मास्टर ड्रग्स है। हम दर्दी को पहले उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं उनको भी हम सलाह देते हैं कि आप रेगुलर वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकता है। मित्रों, ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है, कई बार तो किडनी फेलियर का भी चांस रहता है क्रॉनिक रिनल फेलियर में, कई बार स्टिनोसिस भी यूज हो जाता है, कई बार रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन होने से भी किडनी फेलियर हो जाता है, कई बार स्टिनोसिस है जो मूत्र नली होती है वो सांकड़ी बन जाता है, तो कई बार डॉक्टर बोलता है कि आपको बार बार कैथेटर करने से ही यूरिन बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये इज़ अ मैकेनिकल कॉज एंड पेनफुल कॉज है, लाइफ लॉन्ग करने का बहुत मुश्किल बल है। जब भी आपको डायग्नोसिस स्ट्रिंचर ऑफ यूरेथ्रा और स्ट्रिंचर ऑफ यूरेथ्रल की जो डायग्नोसिस करते हैं, मेरा एक वीडियो है, मैं आप नीचे लिंक दे देता हूँ, आप यूरेथ्रल स्ट्रिंचर में जाके आप एजुकेट हो सकते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिंचर क्या है, बिना ऑपरेशन और बिना कैथेटर से आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, इसे कॉम्प्लिकेशन में किडनी फेलियर होता है, इनफर्टिलिटी भी होता है, कई बार आपको सेक्सुअल अर्ज भी कम हो जाता है जिसको प्रीमैच्योर इजेकुलेशंस भी बोलता है। लेडीज़ को भी प्रीमैच्योर इजेक्यूलेशन का प्रॉब्लम भी, लेडीज़ को तो नहीं रहता है पर उनको भी जो वजाइनल पार्ट होता है वो ड्राइनेस हो जाता है, तो उसको मेंटली एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने का चांसेस रहता है। तो मित्रों, ये जो पार्ट है तो इसको आप शॉर्ट बराबर क्लीन कीजिए और हाइजीन कीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए, अल्कलाइन युक्त खुराक खाइए। अल्कलाइन में जैसे कि आप फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये भरपूर मात्रा में पानी पीजिए खुराक में, हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए, सनलाइट कीजिए, सनलाइट में बैठिए या सनबाद कीजिए, एडिटिव वाटर अवॉइड कीजिए, जो स्पाइसी फूड है या आपको जो बाजार के जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, खुराक में सीरियल की मात्रा ज़्यादा लीजिए और कंज्यूम नेचुरल वाटर कीजिए और नेचर के साथ इंटरेक्ट लीजिए, तो शॉर्ट आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बच सकते हैं। मित्रों, इसके लिए मैं 5 होम्योपैथिक मास्टर ड्रग्स बताता हूँ, आपको सुनना चाहिए, आप खुद भी ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। जो आपको फ़ायदा नहीं करता है तो आप हमारा सेंटर में आके भी आपका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो दवा का नाम है स्टेफिसैग्रिया। जो यंग कपल है और जो यंग मैरिड है वो ज़्यादातर एक्सेस ऑफ सेक्सुअल इंट्रैक्ट में आते हैं और उसको सेक्सुअल इंट्रैक्ट की वजह से यूरिनरी ट्रैक बार बार रहता है और उनको यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन रहता है, तभी जो स्टेफिसैग्रिया 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। पर्टिकुलर लेडीज जो जब भी वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करती है तब उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है, कई बार बाहर का जो वॉशरूम यूज़ करती है तो इसके वजह से भी उनको ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है। तो स्टेफिसैग्रिया 30 पोटेंसी में लेने का है। जिनको कमर दुखता है, ठंड लगता है, चक्कर आता है, अशक्ति आता है, नौशिया आता है, ऐसा जो फीलिंग होए लेडीज़ को और ये यंग लेडी हो और उनको या कई बार पोस्ट
मेनोपॉज में, पोस्ट मेनोपॉज के बाद भी जो उनको यूटीआई इन्फेक्शन रहता है, तो ये स्टेफिसैग्रिया वर्क वेल। सेकेंड नंबर की दवा है कैंथारिस। कैंथारिस दवा ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है, जलन आता है, बार बार जाना पड़ता है, अर्ज रहता है, उसको नीचे का जो ऑर्गन होता है वो स्टीफनेस लगता है, कमर में दुखता है, भूख नहीं लगता है, और तो इन लोगों को कैंथारिस 30 पोटेंसी लेना चाहिए। थर्ड नंबर की जो दवा है ये बल्बारिस वल्गारिस मदर टिंचर। जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक स्टोन्स होता है और बार बार स्टोन के बदले की प्रक्रिया रहता है, यूरिन में जलन रहता है, ब्लीडिंग आता है, स्मेल आता है, कमर दुखता है, हाथ पैर दुखता है, ठंड लग के बुखार आता है, तब बल्बारिस वल्गारिस मदर टिंचर लेना चाहिए। ये 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए, और ये जो दवा होती है ये 3 से 6 महीना लेना चाहिए। मित्रों आगे की जो जो दवा है, जिन लोगों को यूरिन में ब्लीडिंग आता है और यूरिन में स्मेल भी आता है, तो उन लोगों को लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। जिन लोगों को बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, स्टोन आ जाता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है और इनकंट्रोल रहता है, डायबिटीज़ यूटीआई रहता है, और जिन लोगों को यूरिन में ब्लड सेल और आरबीसी सेल्स ज़्यादा आता है या पसेल ज़्यादा आता है, तो लाइकोपोडियम वर्क वेल, तो आपको लाइकोपोडियम विथ 30 पोटेंस में 1 से 2 महीना लेना चाहिए। लास्ट नंबर की दवा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, आपको स्वेलिंग आ जाता है, आँखों के नीचे स्वेलिंग आ जाता है, पैरों में स्वेलिंग आता है, तो उन लोगों को एपिस मेलिफिका लेना चाहिए। पैर में ज़रा नमनेस लगता है, हैवीनेस लगता है, नौशिया लगता है, पैर में जरा कोई नीडल प्रिकलिंग सेंसेशन लगता है, शरीर में जलन हो जाता है, हाथ पैर में जो डिस्टल एंड होता है वहीं नमनेस आ जाता है, खालीपन लगता है, तो उन लोगों को एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। मित्रों मैंने ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में बताया है, ये दवा और इसके लिए जो मैनेजमेंट बताया है उसको पुष्कर पानी पीजिए, अल्कलाइन युक्त खुराक खाइए, तो आपको धीरे 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 जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है या एक्यूट इन्फेक्शन रहता है यूरिनरी ट्रैक, तो होम्योपैथी इसमें मास्टर ड्रग्स है। तो मित्रों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये जो नववर्ष की जो आने वाला जो साल है इसको आपके आपको शुभकामनाओं। थैंक यू वेरी मच।